मैं प्रतिभा सेठी, आपके टेरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रोपॉइंट, पश्चिम बंगाल, न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे जसप्रीत बुमराह जी की कुंडली के बारे में कि इनका आने वाला टाइम कैसा है और इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो इसके लिए मैं अपने स्टूडियो में बुलाना चाहूंगी रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो एस्ट्रोपॉइंट में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली से। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं मैं आज की अपनी वीडियो। आज है 18 नवम्बर, और देना 18 नवंबर 2024 मंडे, और ये वीडियो ठीक 2 दिन बाद अपलोड होगी 20 नवंबर 2024 वेडनेसडे को। आज हम इनकी कुंडली के बारे में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। इनकी डेट ऑफ बर्थ हमने इंटरनेट से ली है 6 दिसंबर 93 12 PM अहमदाबाद। ये इनकी कुंडली है, ये इनके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है, और हर बार हम कहते हैं दशाएं और गोचर बहुत मैटर करती है, तो यहाँ भी यही रूल अप्लाई होता है। तो ये मैं पॉइंट्स पढ़ देती हूँ। लगन है इनका कुंभ, फर्स्ट हाउस होता है लगन। लगन है इनका कुंभ एक्वेरियस, जो कि शनि सैटर्न को डिनोट करता है। चंद्र लगन है इनका, ये चंद्रमा लिखा हुआ है, तो चंद्र लगन मून साइन है सूर्य सिंह, जो कि सन सैटर्न को डिनोट करता है। सूर्य लगन है इनका वृश्चिक, जो कि मंगल मार्स को डिनोट करता है। सूर्य लगन है इनका, ये सूर्य लगन है, सन साइन सूर्य लगन है वृश्चिक स्कॉर्पियो, जो कि मंगल मार्स को डिनोट करता है। ऑल थ्री सेल्फ लॉर्ड कंबाइन इन 10th हाउस। सेल्फ के सारे लॉर्ड 10th हाउस में है, करियर वाले हाउस में। शनि इन ओन हाउस एंड मंगल इन ओन हाउस। शनि भी अपने हाउस में 11 नंबर में, और मंगल भी अपने हाउस में 8 नंबर में। शनि डायरेक्ट हो चुका है ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान। दोस्तों अब आपको मालूम है ऑस्ट्रेलियन सीरीज दोस्तों स्टार्ट होने वाली है, 22 नवंबर को पहला टेस्ट मैच है। और दोस्तों आपको मालूम है कि रोहित शर्मा को कैप्टन कहा गया था, बनाया गया था, लेकिन उनका बेटा हुआ है, तो मैं भी वो फर्स्ट टेस्ट दोस्तों मिस करेंगे। बुमराह को दोस्तों कहीं ना कहीं कैप्टन बना दिया गया फर्स्ट टेस्ट के लिए। और दोस्तों अब तो जब से ये मैचेस ऑस्ट्रेलियन सीरीज की अनाउंसमेंट हुई है दोस्तों, मेरे पास काफी सारे मैसेजेस और फोन आना शुरू हो गए कि इंडियन टीम की दोस्तों परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, बुमराह की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। दोस्तों इसकी 2 वीडियोस मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, विराट कोहली की और रोहित शर्मा की। आज बुमराह की बनाता हूँ, पहली बार दोस्तों बुमराह की वीडियो बना रहा हूँ। और लिटरली दोस्तों बड़ी बड़ी कुंडलियाँ दोस्तों मैंने देखी है, बड़े बड़े टॉप प्लेयर्स की कुंडली देखी, बट इनकी जो कुंडलियाँ दोस्तों वो यूनिक कुंडली है। जैसे यूनिक बॉलर है दोस्तों, वर्ल्ड में नंबर 1 स्ट्राइक बॉलर है, नंबर 1 तो नहीं मतलब टॉप के स्ट्राइक बॉलर है दोस्तों। उसी तरीके से उनकी जो कुंडली है दोस्तों वो भी नंबर 1 कुंडली बन जाती है। और जो भी लोग दोस्तों प्लेयर बनना चाहते हैं, किसी भी मतलब स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, चाहे हॉकी में जाना चाहे, सॉकर में जाना चाहे, क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो इस कुंडली के अंदर काफी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, काफी कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। दोस्तों फटाफट करते हैं, फिर आते हैं मेन बातें। जो लोग दोस्तों नए जुड़े सीखना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों चीजें दोस्तों, पहला जो यहाँ पे हम लोग देख के चलेंगे दोस्तों, सेल्फ का जो लॉर्ड बनते हैं दोस्तों, दोस्तों आपको पता है लग्न हो गया सेल्फ दोस्तों, इसको सेल्फ लिखते हैं हम लोग दोस्तों। ये है आपका कुंभ, और दोस्तों कुंभ का लॉर्ड शनि दोस्तों अपने ही साइन के अंदर दोस्तों, यानी कि सेल्फ का लॉर्ड सेल्फ के अंदर दोस्तों बहुत बड़ा टाइम, बहुत बड़ी कुंडली बन जाती है। हमेशा बताता हूँ दोस्तों, महाराजा बन जाता है कि सेल्फ का लॉर्ड इन द सेल्फ हाउस। दोस्तों चंद्र लगन का लॉर्ड दोस्तों सिंह राशि दोस्तों, ये भी आपको सेल्फ को ही डिनोट करेगी, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे भी चंद्रमा बैठा हुआ सेल्फ बन जाएगा। इसका लॉर्ड बनते दोस्तों सूर्य, जो कि 10th हाउस करियर के अंदर है दोस्तों। दोस्तों तीसरा सेल्फ का लॉर्ड बनते सूर्य, सूर्य लगन दोस्तों, सूर्य नंबर 8 में, 8 नंबर का लॉर्ड मंगल दोस्तों, वो भी अपने ही साइन के अंदर। यानी कि फर्स्ट सेल्फ का लॉर्ड दोस्तों लगन का लॉर्ड अपने साइन में, सूर्य लगन का लॉर्ड का सेल्फ अपने साइन में, और दोस्तों जो चंद्र लगन का लॉर्ड है सूर्य दोस्तों वो भी 10th हाउस में। अब देखिए दोस्तों कितना मजेदार कुंडली दोस्तों। देखिए शनि जो कि फर्स्ट सेल्फ का लॉर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोस्तों 10th एस्पेक्ट जा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। अब देखिए सूर्य को जो कि दोस्तों बनता है आपके चंद्र लगन का लॉर्ड दोस्तों, वो 10th हाउस में दोस्तों। अब देखिए मंगल को दोस्तों, वो भी 10th हाउस में, यानी कि शनि का एस्पेक्ट 10th हाउस में, मंगल 10th हाउस में, सूर्य 10th हाउस में दोस्तों। तीनों की जो लगन के लॉर्ड है दोस्तों करियर हाउस को देख के आपके करियर को दोस्तों बहुत ऊपर लेके चले जाते हैं। करियर में दोस्तों आपको टॉप लेवल पे जाके बैठाए थे दोस्तों। प्लेयर क्यों बने ये दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे मंगल जो कि आपको पता है स्टेमिना के लिए होता है, हमेशा बोलता हूँ मंगल या तो दोस्तों आपको मिलिट्री या आर्मी में आर्म फोर्सेज में लेके जाता है, या प्लेइंग फील्ड में लेके जाते हैं, बिल्डर बनाते हैं, या कई बार दोस्तों सर्जन बनाते हैं। तो 3-4 फील्ड दोस्तों बनती है मंगल की दोस्तों। करियर हाउस में अपने साइड के अंदर दोस्तों सूर्य के साथ, जो कि अगेन पॉजिटिविटी को डिनोट करता है, एनर्जी को डिनोट करता है, यानी कि करियर वो दोस्तों कौन सा करियर हमने चुना, यहाँ पे पॉजिटिविटी चाहिए, यहाँ पे एनर्जी चाहिए, और दोस्तों यहाँ पे विल पावर स्टेमिना चाहिए दोस्तों। अभी दोनों मिलते हैं सूर्य मंगल से, और इंसिडेंटली दोनों दोस्तों लगन के भी लॉर्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे हम मानकर चलेंगे कि ये प्लेयर बनना इनका कहीं ना कहीं इनके ब्लड में था, क्योंकि करियर हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पे। तो शनि अपने हाउस, मंगल अपने हाउस बता दिया मैंने दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि जो कि सेल्फ का लॉर्ड है, सेल्फ हाउस के अंदर ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियन टूर के अंदर दोस्तों वो डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। इसके हमारी सारी वीडियोस हैं शनि डायरेक्ट होने पे, 3 दोस्तों वीडियोस को देखिएगा तो शनि का डायरेक्ट होना दोस्तों सेल्फ को दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दोस्तों बढ़त मिलती है, पावर मिलती है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी दोस्तों कुंडली बन जाती है, टाइम अच्छा बन जाता है यहाँ पे। तो आने वाला टाइम दोस्तों हम लोग मान के चले कि जिस तरह से चीजें हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया है। तो दो तीन चीजें और बताता हूँ। जैसे दोस्तों ये होता है आपका इनकम गेन्स होता है दोस्तों। दोस्तों हम गेन्स हर चीज की बात करते हैं, प्रोफेशनल गेन्स, फाइनेंशियल गेन दोस्तों, ओवरऑल गेन दोस्तों। इसका लॉर्ड बनते हैं गुरु जुपिटर दोस्तों भाग्य स्थान में, सेल्फ हाउस को देख के, सेल्फ के लॉर्ड को देख के सारे गेन्स और सारा का सारे भाग्य आपके सेल्फ यानी कि आपको देखे चलता है। तो कुंभ लगन के अंदर दोस्तों 5th या 9th हाउस का जुपिटर दोस्तों बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उसकी जो स्ट्रेंथ की दोस्तों ताकत आपको समझनी पड़ेगी अपने सेल्फ हाउस को देख के, 5th हाउस को देख के तो बहुत ऊपर देखे चले जाते हैं दोस्तों, एक और राजयोग बन जाते हैं दोस्तों। दूसरी बात देखिए कि कुंभ लगन के अंदर मैं हमेशा बताता हूँ आपको जो सबसे पॉजिटिव प्लेनेट होता है दोस्तों बनता है शुक्र। विनर फोर्स होगा दोस्तों आपका जनता यानी कि फैन फॉलोइंग, खासकर अगर आप पब्लिक फील्ड के अंदर है। और सो 9th भाग्य दोस्तों, इसको हम कहेंगे लक दोस्तों, यानी कि 4th जनता 9th लक। इसका जो साइमल्टेनियस दोस्तों जो प्लैनेट यहाँ पे बना शुक्र दोस्तों वो कहाँ पे प्लेस हो गया आपके करियर हाउस के अंदर। देखिए तो अब आप देखिए करियर हाउस दोस्तों कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि जनता का लॉर्ड भी करियर हाउस में, भाग्य का लॉर्ड भी करियर हाउस के अंदर, और करियर हाउस का लॉर्ड और जो सॉरी जनता हाउस का लॉर्ड अपने ही जनता वाले घर को देख के आपकी फैन फॉलोइंग जनता को दोस्तों आपके पीछे बहुत अच्छे तरीके के साथ जोड़ देता है। तो बहुत मतलब बड़े बड़े नामों गिरामी दोस्तों यहाँ पे राजयोग होंगे, तो इनको हम लोग देख के चले दोस्तों। हालांकि राहु और सूर्य साथ में, उनसे सूर्य ग्रहण भी है, बट दोस्तों इतने सारी चीजों के अंदर ये जो सूर्य ग्रहण दोस्तों जो नेगेटिविटी दोस्तों कम हो जाती है। हालांकि 17 तारीख को जिस दिन हम दोस्तों वीडियो शूट कर रहे हैं उससे एक दिन पहले सूर्य निष्ठा से बाहर आ चुका है, तो जिनकी कुंडली में दोस्तों सूर्य ग्रहण था उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिविटी मिली। तो अगर हम बात करें दोस्तों बुमराह की बात करें तो इनके दोस्तों हर चीज यहाँ पे बेटर है दोस्तों। और भी काफी सारे राजयोग है, किसी को कुछ पूछना हो दोस्तों तो बेशक मैसेज करके पूछ सकते हैं या दोस्तों व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं हमारे साथ। चलिए फ्रेंड्स ये सब पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं, तो हम दशाओं पे आते हैं। चलिए फ्रेंड्स जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रोपॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रोपॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहे तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है इनकी कुंडली, अगर आप चाहें तो आपकी कुंडली भी हम सेम इसी पैटर्न में दे सकते हैं। आपको व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं, आप अलाउ करोगे तो वही यूट्यूब पर डालेंगे, अदरवाइज आपका नाम और जगह भी चेंज करके डाल सकते हैं अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखना चाहते हैं। और जो क्वेश्चन आप मना करोगे हम वीडियो में नहीं लेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करके डाल सकते हैं। तो इसका हमारा प्रोसीजर अलग से है, हमारे चार्जेस हैं, तो कमेंट बॉक्स में हम मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इनकी दशाओं पे आ जाते हैं। पहले हम इनकी महादशा लेते हैं मून की, जो कि 10 साल की दशा होती है, हम सब जानते हैं। 7th हाउस में चंद्रमा है, नवंबर 2016 को स्टार्ट हुई थी, नवंबर 2026 में खत्म हो गई, मतलब अभी 2 महीने की 2 साल की दशा इनकी है। तो अब कुंभ लग्न में दोस्तों चंद्रमा जो होता है वो नेगेटिव होता है, 6th हाउस का लॉर्ड दोस्तों। हालांकि जो 6th हाउस डिनोट करता है आपके कंपटीशन को दोस्तों, कंपटीशन को डिनोट करता है, यानी कि दोस्तों 6th हाउस का लॉर्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा दोस्तों कंपटीशन में आपकी कॉम्पिटेटिव विक्ट्री आपकी उतनी ज्यादा हो जाती है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे जो चंद्रमा है 6th कॉम्पिटिशन का लॉर्ड चंद्रमा दोस्तों वो आ गया आपके केंद्र के अंदर, सूर्य की राशि के अंदर दोस्तों, सेल्फ हाउस को देख के सेल्फ के लॉर्ड के इम्पैक्ट में, यानी कि दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा काफी ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि चंद्रमा की जो महादशा दोस्तों चल रही है ओवरऑल दोस्तों काफी ज्यादा स्ट्रांग है दोस्तों। और चीजों के लिए नेगेटिव हो सकती है बिकॉज ये दोस्तों 4th हाउस कहना है कि आपकी बीमारियों को भी डिनोट करता है, और 7th हाउस में आके 1st हाउस पर नजर डालकर दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिव होता है, खासकर लेडीज के लिए हार्मोनल इंबैलेंस के लिए, शनि चंद्रमा का आमने सामने होना और चंद्रमा का 6th हाउस का लॉर्ड बनना तो नेगेटिव होता है। लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए, अपने राइवल पे जीत पाने के लिए, अपने कॉम्पिटिशन को कट करने के लिए दोस्तों ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और सामने दोस्तों शनि का भी एस्पेक्ट है जो कि सेल्फ का ही लॉर्ड है, तो सेल्फ को कंपटीशन यानी कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने में दोस्तों मदद मिलती है। ओवरऑल ये 10 साल की दशा दोस्तों काफी ज्यादा बेहतर, और आपने देखे भी दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस कितनी शानदार है 10 सालों के अंदर, 8 सालों के अंदर। हाँ जी चलिए अब इनकी महादशा की बात करते हैं, माता अंतरदशा पे। चलिए फ्रेंड्स जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे वीडियोस अपलोड आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो अब हम अंतरदशा पे आते हैं। मून में वीनस 30 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुई और 1 जून 2026 तक चलेगी दोस्तों। मून की बात करिए हमने दोस्तों, वीनस दोस्तों मून से वीनस हो गया नंबर 4 के अंदर, 1 2 3 4 4th हाउस में प्लेस्ड है दोस्तों। वीनस मैंने बता दिया अपने साइन को देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड है, करियर हाउस के अंदर सूर्य की सपोर्ट, मर्क्यूरी की सपोर्ट, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों भाग्य का ही लॉर्ड है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये वाली दशा भी बेहद शानदार, यानी कि ऑस्ट्रेलियन टूर की दशा दोस्तों इनकी बेहद ही ज्यादा शानदार अच्छी रहने वाली है। और दोस्तों फर्स्ट टेस्ट में जो कैप्टनसी इनको दी गई है दोस्तों, इनकी अपनी परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन, एज अ डिसीजन मेकर और एज अ बॉलर दोस्तों बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई भी जनता या दोस्तों फैन फॉलोइंग वालों को, फैंस को दोस्तों इनको कोई शिकायत नहीं रहेगी। बाकी दोस्तों टीम की परफॉर्मेंस जैसे मर्जी हो, बट ये दोस्तों अपना बेस्ट देंगे अपनी टीम की परफॉर्मेंस निकालने के लिए, अपने कंपटीशन के लिए, अपनी बॉलिंग के लिए दोस्तों। ये दशा दोस्तों बेहद ही ज्यादा शानदार। हाँ दोस्तों इतना भी ध्यान में देना है क्योंकि शुक्र यहाँ पे दोस्तों केतु के इम्पैक्ट में, दोस्तों मंगल के भी इम्पैक्ट में, दोस्तों सूर्य के भी इम्पैक्ट में दोस्तों थोड़ा सा चोट देने का काम करते हैं। चोट और दोस्तों 10th हाउस हो गया वो आपके नीज को, तो दोस्तों नी की घुटने पे चोट लग गई है दोस्तों, आपका एल्बो हो गया, जॉइंट्स हो गए, यहाँ पे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। इस पूरी सीरीज के दौरान, खासकर तो फर्स्ट टेस्ट के दौरान फिर चोट वोट ना लगे इनको, तो दोस्तों मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद दोस्तों बनती है चोट लगने की, बिकॉज दोस्तों इस समय जनवरी तक मंगल भी दोस्तों नीच का चल रहा है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे करियर हाउस में ही है, लगन का भी लोड है, तो उस चोट की संभावना मुझे थोड़ी बहुत लगती है। परफॉर्मेंस दोस्तों अप टू द मार्क। चलिए अब हम आते हैं, इस दशा को हम छोटा कर लेते हैं, प्रत्यंता दशा पे आते हैं। मून वीनस वीनस मतलब 7th and 10th की दशा, प्रोफेशनल हाउस की दशा इनके लिए कैसी रहेगी, जो कि 30 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुई। इस दशा को हमने छोटा कर लिया और 9 जनवरी 2025 तक चलेगी, मतलब 3 महीने 9 दिन की दशा इनके लिए कैसी रहेगी दोस्तों। मून वीनस वीनस दोस्तों, डबल डबल वीनस आ गए यहाँ पे, यानी कि डबल डबल पावर होगी, डबल डबल जनता की सपोर्ट होगी, डबल डबल लक की सपोर्ट होगी दोस्तों। तो बट दोस्तों डबल डबल चोट की भी संभावना हो जाती है, बिकॉज शुक्र जो है मंगल के साथ है। और दोस्तों तब तक यहाँ तक अगर आप देखेंगे तब तक दोस्तों मंगल भी नीच का ही चलेगा ट्रांजिट के अंदर। मंगल दोस्तों अभी नंबर 4 में चल रहा है चोट वाले घर के अंदर, दोस्तों चोट की संभावना बढ़ जाती है यहाँ पे। एक आधा मैच दोस्तों इंजरी की वजह से पूरी सीरीज की बात करें तो मिस करना पड़े, हैरानी वाली बात दोस्तों नहीं होगी, ये हमें ध्यान में रखना। बट ये वाली दशा भी दोस्तों जो होगी, इस दशा के अंदर भी दोस्तों जो उनकी परफॉर्मेंस दोस्तों रहने वाली है बहुत शानदार रहने वाली है, एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर और एज अ डिसीजन मेकर। चलिए अब इस दशा के बाद वाली दशा लेते हैं, मून वीनस सन मतलब 7th and फिर से 10th की दशा। ये भी 7th और 10th की दशा है, इस दशा के बाद वाली दशा। ठीक 9 जनवरी 2025 को स्टार्ट होगी और 9 फरवरी 2025 तक चलेगी, मतलब 1 महीने की दशा इनके लिए कैसी रहेगी। क्या ये दशा इनके लिए फ्रूटफुल रहेगी जैसे कि लोग जानना चाह रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। चलिए फ्रेंड्स आपका इंतजार खत्म हो गया, हम जल्दी रिप्लाई करेंगे आपके क्वेश्चन का। दोस्तों मून की बात करी, वीनस के बाद दोस्तों आगे सूर्य। दोस्तों मैंने आपको बताया कि सूर्य यहाँ पे सेल्फ का लॉर्ड है दोस्तों, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी दोस्तों। दूसरा सूर्य यहाँ पे केंद्र का लॉर्ड है, क्योंकि 7th हाउस दोस्तों केंद्र का, और दूसरे सबसे मजबूत केंद्र 10th हाउस में प्लेस्ड है। शुक्र के साथ जनता के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है, मंगल दोस्तों जो कि करियर का लॉर्ड है उसके साथ प्लेस्ड है, बुध जो कि भाग्य का लॉर्ड। तो दोस्तों इतनी सारी सपोर्ट मिलने के बाद एक बात और दोस्तों, जो पूरी ऑस्ट्रेलियन सीरीज है दोस्तों अच्छी रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। बट दोस्तों क्योंकि यहाँ पे सूर्य पे दोस्तों वही केतु का इम्पैक्ट, दोस्तों सूर्य खुद आग होता है, मंगल का इम्पैक्ट, केतु का इम्पैक्ट, ऊपर दोस्तों शनि का इम्पैक्ट और साथ में सूर्य ग्रहण दोस्तों। अगर हम इन सब चीजों को फोकस करके चले तो इंजरी, हेल्थ इश्यूज, फीवर, क्योंकि सूर्य दोस्तों बुखार को डिनोट करता है, और सूर्य दोस्तों बोन, हड्डी टूटने को, फ्रैक्चर को दोस्तों, ये सब चीज़ अगर नहीं होती फिर क्या, मुझे इसी की थोड़ी सी टेंशन लग रही है। बाकी जो दोस्तों बुमराह के फैन उनको बस इतना जरूर बता सकता हूँ, अगर चोट नहीं लगती, सीरीज पूरी खेलते हैं दोस्तों, इंजरी नहीं होती उनको, या कोई हेल्थ में इशूज नहीं आते, तो इनकी परफॉर्मेंस एज अ प्लेयर और फर्स्ट टेस्ट में दोस्तों एज अ कैप्टन बहुत अच्छी रहने वाली है। और इंडियन टीम ने दोस्तों जैसा परफॉर्म करते हैं न्यूजीलैंड के साथ 0-3 की शर्मनाक हार हुई दोस्तों, अवे सीरीज में दोस्तों उतनी बुरी हालत नहीं होगी, बेटर होगा। बिकॉज रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें दोस्तों, बुमराह की बात करें, यहाँ पर टाइम दोस्तों बेटर होने वाला है, बेटर हो चुके हैं दोस्तों। 1-2 मेन प्लेयर दोस्तों हम लोग और लेके चलेंगे, अगली कुंडली दोस्तों सैटरडे को मेरी कुंडली होगी वो किसी एक दूसरे प्लेयर के ऊपर होगी दोस्तों, उनको हम लोग फैक्टर करके चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हमने अपनी प्रेडिक्शन दे दी है, हमने बता दिया है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। अगर फिर भी किसी के कोई क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय कर दें, आज के लिए इतना ही, वीकली वीडियोस मिलते हैं दोस्तों, बिल्कुल। तो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड दोस्तों, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।